अमित शाह बीते हफ्ते हिंदी दिवस पर एक बयान देकर आए थे। अपील करी थी उन्होंने कि हिंदी पूरे देश में एक आम भाषा हो। इसके बाद बड़ा बवाल मचा और हिंदी क्यों पूरे देश की एक भाषा और क्यों ना हो, इस पर काफ़ी बहस छिड़ी। लेकिन अमित शाह ने बुधवार 18 सितंबर को ये बयान दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। समाचार एजेंसी से बात करते हुए अमित शाह ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि हिंदी को दूसरी अलंकृत भाषा पर थोपा जाए। मैंने बस इतना निवेदन किया था कि लोग अपनी मातृभाषा से अलग हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर सीखें। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मैं खुद गैर हिंदी भाषा प्रदेश गुजरात से आता हूँ। अगर कुछ लोग इस पर राजनीति ही करना चाहते हैं तो ये उनका चुनाव है। इसके पहले 14 सितंबर को विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस की तस्वीरें ट्वीट करते हुए अमित शाह ने लिखा था कि भारत को अनेक भाषाएं और बोलियां हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन देश की एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे विदेशी भाषा हमारे देश पर हावी ना हो। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक मत से हिंदी को राजभाषा के स्वरूप स्वीकार किया जाए। इससे पहले नजर आया था कि ओवैसी से लेकर रजनीकांत सब अमित शाह को घेरते नजर आए थे और अब केजरीवाल ने सबके सामने आकर खुद ही पलटी मार ली है। अब देखना होगा कि इसको लेकर और क्या बयानबाजी आती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 News पर। हर्ष की रिपोर्ट।